श्रम का तीसरा चरण नवजात शिशु के पूर्ण प्रसव के बाद की अवधि को संदर्भित करता है, जबकि प्लासेंटा की पूर्ण डिलीवरी नहीं हो जाती। तीसरे चरण की लंबाई और इसकी जटिलताएं गर्भाशय की सिकुड़न और अपरख के अलग होने की अवधि से प्रभावित होती है। अशक्त और साथ की बहुपत्नी महिलाओं के तीसरे चरण का सामान्य अवधि 30 मिनट से कम हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी तीसरे चरण के श्रम के सक्रिय प्रबंधन की सलाह देते हैं। श्रम के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन में प्रोफाइलेक्टिक यूटेरोटोनिक उपचार, प्रारंभिक कॉर्ड क्लैंपिंग और प्लासेंटा को वितरित करने के लिए नियंत्रित कॉर्ड ट्रैक्शन शामिल है। पीपीएच प्रोफाइलेक्सिस के लिए ऑक्सीटोसिन पसंद का पहला एजेंट है, क्योंकि इसकी उच्च प्रभावकारिता और संबंधित दुष्परिणामों की घटनाएं कम है। प्रशासन को ऑक्सीटोसिन का मार्ग या तो अंतरशिरा आईवी या इंट्रामस्कुलर है।